हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को आई एस भवन पटना ECC ऑफलाइन मॉकअप काउंसलिंग सेंटर का टॉक करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं आई एस भवन पटना ब्रांच बिहार। जो गाइस, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे चारों तरफ सारे लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं अपने जो जो भी नहीं जिसका छोड़े हुआ है उधर भी लगा हुआ है। इधर खाने पीने का हट है, लड़ते के चारों तरफ ठेला लगा हुआ है, इधर सारा बॉक्स है, पेटी है जिसमें कि सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगो। इधर सारे कैंडिडेट्स एंड उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनका कब बारी आएगा कौन सा। देखिए कितना अच्छा मस्त पार्क बना हुआ। सामने हमारा IAS एसोसिएशन ऑफिस है। सो गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेसिस। देखिए इधर नया ऑफिस बना है, बिल्डिंग। इधर सारे कैंडिडेट्स एंड उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। हमारे सामने IAS भवन है, इधर सारे लोग वेट कर रहे हैं। देख लो ऑफिस के, देखिए सामने हमारे ऐसे एसोसिएशन भवन है। सब पेरेंट्स अपने बारे का इंतजार कर रहे हैं बैठ कर। इधर एक बिल्डिंग से IAS भवन है, हमारा IAS एसोसिएशन भवन पटना बिल्डिंग का। हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को IAS भवन IAS एसोसिएशन बिल्डिंग्स पटना जो कि BCC DCC एंड जो भी बिहार का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है उस सब का जो सेंटर होता है, मॉकअप काउंसलिंग होता है उसके सेंटर पे आए हुए हैं। तो ये सामने हमारा BCC का काउंसलिंग है। आज डेट 13 फरवरी 2023 को BCC 2022 का मॉकअप राउंड का काउंसलिंग के लिए सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो सारे कैंडिडेट्स वगैरह एंड उसके पेरेंट्स वगैरह इधर वेट कर रहे हैं अपने बारी का काउंसलिंग। कुछ लोगों का चल भी रहा है उधर वाले बिल्डिंग्स में, जो कि देख सकते हैं सामने एल्वेस्टर को छत उसके नीचे, और जिनका 2 बजे से है वो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग अब आपको दिखाते हैं मेन बिल्डिंग जहाँ तक हमारा IAS एसोसिएशन ब्रांच बिहार का है। तो ये सामने हमारा IAS एसोसिएशन बिल्डिंग्स है बिहार। देखिए IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार ब्रांच लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि सामने हमारा क्या मस्त बिल्डिंग है, छोटा ही है बट क्यूट बिल्डिंग है। इसके चारों तरफ एक मस्त सा गार्डन है, जिसके चारों तरफ फ्लावर का प्लांट्स लगा हुआ है एंड एक अच्छा सा लुक दिया गया। उधर साइड में देखिए पार्किंग एरियाज है जहाँ पर गाड़ी लग रहा हुआ है। तो हम लोग लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है। लाइक जो कैंडिडेट का 9 बजे से काउंसलिंग था, 1 बजे से काउंसलिंग था, वो बैठे हुए वेटिंग कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का। इधर भी सब अपने बारी का वेट कर रहे हैं। इधर देखिए बहुत सारा बॉक्स है पैकेज जिसमें कि सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ। देखिए सबसे पहले टीम ITI मुजफ्फरपुर का। इधर हमारा अलॉटमेंट हो रहा है एंड इधर सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं अपने बारी के आने का। हमारा भी 2 बजे से काउंसलिंग है तो हमारा भी आएगा, देखते हैं। हम अपना बारी का वेट कर रहे हैं कब आता है। अभी टाइम 1 बजे है, 1 घंटा और है। इधर सारे पेटी में डॉक्यूमेंट्स है, सभी अच्छे से कॉलेज के जो अलाउट हुए सबका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखा हुआ, फिर उसको अपने कॉलेज पर लेकर जाएंगे। देखिए आज अच्छा खासा भीड़ है कैंडिडेट्स का। आज BCC 2022 मॉकअप राउंड का सबसे लास्ट डेट काउंसलिंग है। आज जिनको जो रैंक रहेगा उनके आधार पर उनको सीट अलॉट किया जाएगा। इधर हमारा बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग बना है BCC का न्यू ऑफिस। इधर हमारा एग्जिट है जो कि जाएगा अरण्य विहार एंड मेन रोड पर, जहाँ से पटना के जू, सामने में हमारा पटना जू है और इसके बगल में है हवाई अड्डा एयरपोर्ट्स। ओके गाइस, थैंक्स। तो आपको अगर कभी भी जरूरत पड़े तो IAS भवन बिल्डिंग जरूर आइए, लोकल लोकेशन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए हमारा चारों तरफ कैंडिडेट्स का कितना भीड़।